रोहित शेट्टी बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर हैं जिन्होंने कई शानदार फिल्में बनाई हैं। रोहित शेट्टी के रियलिटी शोज खतरों के खिलाड़ी टीवी जगत में अपना अलग फैन बेस बना चुका है। इस बार रोहित शेट्टी खतरों के खिलाड़ी का 14वां सीजन लेकर टीवी पर जल्द ही आएंगे। वो इस सीजन का ऐलान बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले में कर चुके। इस सीजन के लिए मेकर्स ने अब सेलेब्स को अप्रोच करना भी शुरू कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि अब तक किन किन सेलेब्स का नाम खतरों के खिलाड़ी 14 के साथ जोड़ा जा रहा है। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 ने अभिषेक कुमार को टीवी इंडस्ट्री का स्टार बना दिया है। दावा है कि अभिषेक कुमार को मेकर्स ने खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए अप्रोच किया है। हालांकि अभिषेक इस शो में शायद ही आएंगे। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी 14 में नजर आ सकते हैं। मुनव्वर को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। फैंस उन्हें शो में देखना चाहते हैं। इस लिस्ट में समर ज्वेल का नाम भी शामिल है जो बिग बॉस 17 में नजर आए थे। दावा है कि समर इस शो में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयशा खान का नाम भी कई रिपोर्ट्स में लिया जा रहा है। दावा है कि वो भी इस शो के लिए अप्रोच की गई है। वो भी इस शो में आने के लिए तैयार है। जिया शंकर बिग बॉस OTT 2 में नजर आई थी जिसके बाद उनका नाम खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए लिया जा रहा है। कई फैन पेज के मुताबिक जिया को शो में लाने की कोशिश मेकर्स की तरफ से हो रही है। बिग बॉस OTT 2 के बाद मनीषा रानी इन दिनों झलक दिखलाजा में नजर आ रही हैं। दावा है कि वो खतरों के खिलाड़ी 14 का हिस्सा भी बन सकती हैं। मेकर्स ने उन्हें भी अप्रोच किया है। मनारा चोपड़ा का नाम लिस्ट में हाल ही में शामिल हुआ है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में मनीषा के साथ मनारा भी अगर आती हैं तो दोनों मिलकर एंटरटेनमेंट का तड़का लगा ही देंगी। नागिन 5 फेम एक्टर शरद मल्होत्रा भी इस बार खतरों का सामना करते हुए नजर आ सकते हैं। शरद को मेकर्स ने सीजन के लिए अप्रोच किया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो इस बार खतरों के खिलाड़ी 14 का हिस्सा बन सकते हैं। शोएब इब्राहिम झलक दिखलाजा में अपने डांस का हुनर दिखा रहे हैं। अब फैंस उन्हें खतरों के खिलाड़ी 14 में देखना चाहते हैं। दावा है कि मेकर्स ने उन्हें भी अप्रोच किया है।